Hi guys, so welcome back to our channel. लोगों की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है और वो ये है कि आप से जो ब्लॉग आने वाले हैं, मतलब ये ब्लॉग जो आप देखोगे इसके बाद जो ब्लॉग आने वाले हैं वो नए चैनल पर आने वाले हैं और नए चैनल का नाम है रेस्टिंग नेहा ब्लॉग्स। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये इधर या इधर ऊपर आ जाएगा, अभी आ ही रहा होगा, तो यहाँ पे क्लिक करके उसको सब्सक्राइब कर लो। और हमारा जो गोवा पार्ट 2 हमने इस पे डाला है, इसके तुरंत बाद गोवा पार्ट 3 हमारा दूसरे चैनल पे आ चुका होगा, तो वो जाके जरूर देखना। पहले ये पूरा ब्लॉग देख लो और उसके बाद अगला पार्ट रेडी है दूसरे चैनल पे। भाई का बर्थडे, फाइनली आज मैं सारी एक्टिविटीज कर दूंगा। चलो नेहा, कम ऑन, आगे आगे आगे, चल नेहा। अभी ये तो पता ही नहीं कि यहाँ पे एक होल्ड है और दूसरी शिप पे जाना है। 200 रुपए दे बड़े बैग में, वो भी लाना भूल गई। तो 200 में तेरे को यहाँ पे क्या करवाते हो? वोटिंग तो कराई देते। नहीं करवाते तो तू मेरी ब्रेव गर्ल है। चल चल आ जा आ जा। बेसिकली क्या हुआ ना, अपने को वहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आई। गुड मॉर्निंग गाइज, और आज है डे 2 इन गोवा। पॉसिबिलिटी है कि हम एक्टिविटीज करेंगे? पॉसिबिलिटी नहीं है, हमने एक्टिविटीज ही करनी है। अभी मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मेरे को एक्टिविटीज करने में बहुत मजा आता है। चलो जल्दी से चलते हैं। और आज चेतन भाई का बर्थडे है, भाई का बर्थडे है। ये रही हमारी स्कूटरियाँ, तो आज नेहा चलाने वाली है। थैंक यू बग्गा, मैं पक्का तेरे पे ट्रस्ट करके बैठ जाऊँ। पर मेरे को धक धक हो रहे है। ओ भगवान जी, आराम से तू जा रहे हो। एक सौ एक जगह रुकने के बाद फाइनली अब हम एक जगह पे रुक गए हैं, तो चलो अब कुछ खुसा जाए। हो गया है अपना खाना पीना ऑलमोस्ट डन। खाना कैसा था? ये तो पहली बार आधे कुलचे में ढेर हो गया, ढेर दी की चीनी मिल रही है। सौंफ चीनी जल्दी से पेट बड़ा खाए खाए खाए। सौंफ ब्रो, ये हमारे परांठों को पचाने का बहुत अच्छे से काम करेगी। तो चलो 5 बजे तक है एक्टिविटी, चलो। तो हम लोग पहुंच गए हैं। फाइनली आज मैं सारी एक्टिविटीज कर दूंगा, लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है यार, और रेत इतनी गर्म है ना, पैर जल रहे हैं पूरे। वाओ, इतनी जनता आई हुई है एक्टिविटीज करने के लिए। तो चलते हैं अभी टिकट का पता करते हैं, तो आँखें नहीं खुल रही धूप के मारे। जो मेन प्रॉब्लम है वो ये है कि सिर्फ यहाँ पे कैश ही एक्सेप्ट होगा, तो हमारे पास कैश नहीं है। 200 रुपए दे बड़े बैग में, वो भी लाना भूल गई। तो 200 में तेरे को यहाँ पे क्या करवाते हो? वोटिंग तो कराई दे। नहीं करवाते तो फाइनली एक सिटिंग मिल गई है हमें, छाता। और ये रहे लोग हमारे साथ वाले। तो राइड के लिए कैश चाहिए सिर्फ, कार्ड पेमेंट और स्कैन पेमेंट नहीं करे थे वो लोग। तो चेतन और रेस्टी कैश लेने गए हैं एटीएम से, और तब तक हम लोगों ने जगह रोकी है। इस जगह पर बैठने के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑर्डर करना जरूरी है, अगर आप ऑर्डर नहीं करेंगे तो वो आपको बोलेंगे टाटा बाय बाय। मीनवाइल तो पैसे निकल गए और मौसम बहुत अच्छा हो गया। अभी 1300 पर हेड है पैरासीलिंग का, और 500 रुपए एक्स्ट्रा दिया है मैंने बोट में बैठने के लिए। चलो। तो मैंने पूरा ऐसा वाइब लेने की कोशिश की है, मालाएं मूले पहन के। तो हमारा एक और बंदा जो हमारा साथी है बोट पे, जैसे बोट से डर नहीं लगता साहब, राइड से लगता है। चलो नेहा, कम ऑन, आगे आगे आगे, चल नेहा। मजा आ रहा है? बहुत। व्यान डरता नहीं लग रहा देखो? थोड़ा थोड़ा लग रहा है, झूठ नहीं बोल रहा। चेतन सिरा, आज मैं भी ट्राई कर रहा हूँ। ओ लहर, अभी ये तो पता ही नहीं कि यहाँ पे एक होल्ड है और दूसरी शिप पे जाना है। भी समुंदर में चेंज हो रही है बोट, ये वाली इससे भी तेज चलेगी।
तो उन्होंने मेरे को पानी में से डिप लगाई, तो मुझे लगा मुझे व्हेल खा जाएगी। व्हेल का इतना बड़ा साइज ही नहीं था कि तुझे खा सके। रेडी हुआ रेस्क्यू, मुझे तब से डर लगा। अरे कुछ नहीं होता, मैं नीचे बैठा हूँ ना। देखो आज मेरी वो हालत हो गई है, मुझे प्यास लग रही है, मेरे आसपास पानी और मैं पी नहीं सकता। भैया ऊपर जाके ना इसकी रस्सी काट दे। पतंग उड़ गया, अभी तू भी उड़ेगा। कम ऑन चेतन, शार्क आ गई शार्क। नीचे आया, इन्होंने डिप लगवा देनी है। ये देखो ना, मैं बोल रही थी ना, मुझे लग रहा है मजा आया। हाँ। अभी हम लोग वापस जा रहे हैं, बोट आ गई हमारी, ये रही बोट। नेहा ये लो जी, गोइंग बैक। नहीं नहीं नहीं, जाना चाहता है कोई पानी में? शार्क नहीं जाना। चल चल आजा आजा आजा, टाइटैनिक आजा, हाथ दूं। मजा आया ने? हाँ डर गई थी, डर गई थी क्योंकि पता नहीं वो पानी बहुत एक तो खारा होता है ना यार। हाँ। मैंने पहली बार नेहा को थोड़ा डरते देखा, मतलब इस तरीके की ये राइड करती रहती है। मौसम तो मतलब जहर। हाँ। हो रहा है जहर। हम लोगों ने सिर्फ एक ही एक्टिविटी की है, यहाँ पे और भी बहुत कुछ है, पैकेज भी मिलते हैं। 2300 रुपए में हमें पैकेज मिल रहा था, जिसमे स्कूबा डाइविंग, पैरासेलिंग, बनाना राइड और जेट स्किंग, ये और काफी चीजें थी। स्कूबा डाइविंग इसलिए नहीं की क्योंकि बहुत लोगों ने बताया कि यहाँ पर थोड़ी पानी भी थोड़ा यहाँ का खराब होता है, की बहुत अच्छी होती है। और अगर जेट स्की करनी है तो 500 रुपए उनके पीछे बैठने के, खुद चलानी है जेट स्की तो 1000 रुपए पर पर्सन। अब हम चल रहे हैं वापस, लेकिन मुझे कुछ लेना है रास्ते में, जाके पहले चेंज करते हैं उसके बाद चलते हैं। चेंज क्यों करना, क्या हुआ है भाई? कच्चा गीला हुआ पड़ा यार। और सुनो, मेरी वाइब कैसी लग रही थी ब्रो, कितनी फील थी ब्रो, बताना कमेंट कर। डरी पड़ी थी वहाँ। तो अब मैं चलाऊंगा। अच्छी स्कूटी नहीं चलाई? बहुत अच्छी चलाई, बहुत जहाँ पर मेरे को ऐसे था। नहीं नहीं अच्छी चलाई, अच्छी चलाई, ठीक है। तो हमारे ये वाले बंदे तो सही है, दो मान रही थी वो सीधा निकल गए हैं, अब वापस आ रहे हैं। कितनी बार तो हम इसीलिए रुकते हैं, पहले ये स्कूटी चला रही थी तो पीछे रह रही थी क्योंकि ये मुझे बोल रहा था कि स्लो चला, हमें कोई जल्दी नहीं है, धीरे चला। हाँ मतलब मेरे को ये था अगर गिरते भी हैं तो चोट कम लगेगी। ये कहाँ निकल गए थे? अरे हम तुम्हें आगे तक ढूंढ रहे थे, तुम्हारी वजह से हम लेट है गोवा में, अब फिर आगे जा रहे हैं। इतना मस्त मौसम हो रखा है ना, घर पाके चाय पिएंगे। कॉफी चाय या बोट पर चाय? नहीं नहीं कॉफी कॉफी, हम ऐसे चाय को बोट ज्यादा आएंगे। ये देखो है ना, अमेजिंग वाइब। तो थोड़ा सा घर के लिए सामान ले लेते हैं, बिकॉज आप सबको पता ही होगा हम एयरबीएनबी में रुके हैं और वहाँ पर सामान खुद लेके जाना पड़ेगा। बहुत सारा राशन खरीद लिया है हमने, पता नहीं कौन सी कोयले की खान से आई हूँ मैं। वो हल्का हल्का सा नहा लेते हैं और उसके बाद शायद वी आर गोइंग फॉर पार्टी। सो हम लोगों ने चाय कॉफी पी ली है, थोड़े कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, अब हम दोबारा जा रहे हैं बीच पे और हमने करनी है शॉपिंग। पता नहीं दुकानें खुली होंगी कि नहीं होंगी क्योंकि 9:30 हो चुके हैं, तो थोड़ा बहुत घूम के आ जाएंगे। मार्केट शॉपिंग करनी है रेस्टी को और जस्टीन को, मुश्किल है बाकी होगा। चेतन को तो शॉपिंग करनी नहीं है, कितना चमकू लग रहा है। तो ये रही मार्केट, स्ट्रीट मार्केट, और यहाँ से हम लोग करेंगे शॉपिंग। ये देखो आम पापड़ा गैंग। है नेहा, अभी ज्ञान दे रही थी तुम मुझे हेल्दी खाने के लिए। अच्छा तुम कुछ भी खा सकती हो क्योंकि तेरे को रोज एलर्जी हो रही हो। 4 प्लेट मोमोज खा चुका है, 5 प्लेट गोलगप्पे और अब कुल्फी। कहाँ चल रही है तुमने, शॉपिंग तो करी नहीं है? यहाँ पे कुछ मेरे को पसंद ही नहीं आया ना, कुछ वैसा मिला। कौन से बीच पे जा रहे हो? कैलंगूर। कैलंगूर बीच से वापस क्यों आ गए? क्या बताऊँ, गलती से भी कभी मत जाना वो फैमिली के या कपल के साथ जाने के लिए। मेरे को मेरे हिसाब से वो बीच नहीं है वहाँ पे जाने वाला। बेसिकली क्या हुआ ना, अपने को वहाँ पे अच्छी वाइब नहीं आई, हमें नहीं आई अच्छी वाइब। बागा बीच की वाइब काफी बेटर है, तो हम इस वाले बीच से भी वापस घर जा।
बहुत थक गए यार, अब घर जाना है। और अब जा रहे हैं घर क्योंकि कल निकलना है साउथ गोवा। ओके तो हम लोग पहुंच गए हैं, टाटा बाय बाय बोल दो प्लीज सारे। सी यू गाइस। गुड मॉर्निंग गाइज। एक इम्पोर्टेंट चीज ये बतानी है कि ये जो रूम था वो हमारा फर्स्ट डे हुआ था 8100 का, पूरा 2 BHK था ये। हाँ। और 6-7 गेस्ट इसमें अलाउड है। हाँ। Airbnb से किया था और जो नेक्स्ट डे किया था वो हमें 19,000 कुछ का पड़ा था, तब तक महंगा हो गया था क्योंकि वीकेंड था। 19,000 फॉर 2 डेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर ब्लॉग। और ये था गोवा पार्ट 2 जो कि आपने अभी देखा, और गोवा पार्ट 3 ये रहा जो कि है नए चैनल पर। तो अब से जो भी ब्लॉग्स आएंगे वो हमारे नए चैनल पर आएंगे, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर न्यू चैनल।